सो है बस सो गाइस वेलकम बैक टू द बीके एडिट। सो गाइस आज मैं आप सभी को सिखाने वाला हूँ कि आप अपने फेस को स्मूथ कर सकते हो। ठीक है, अपने पिक्चर का जो फेस होता है वो बहुत ही ज़्यादा गंदा लगता है एंड उसमें पीपल्स वगैरह भी होते हैं, तो आप उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं एंड उसको कैसे आप एकदम अच्छी तरीके से स्मूथ कर सकते हो। ओके गाइस, सो इस पिक्चर को मैं क्या करूँगा स्मूथ करने के लिए, आपको सिर्फ एक ऐप्स की पड़ेगी, वो लाइटरूम। ठीक है, सो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लाइट रूम के अंदर चला जाना है और वहाँ पर आपको पिक्चर को ओपन कर देना है। ठीक है, सो गाइस अगर वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और जो भी चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन पर प्रेस कर देना। सो चलिए चलते अपनी वीडियो की तरफ। सो गाइस सबसे पहले आपको अपनी पिक्चर को ओपन कर देना है लाइट रूम एप्स के अंदर, और ओपन करने के बाद गाइस आपको चले जाना है सबसे पहले इस लाइट रूम आइकन के अंदर एंड इसका एक्सपोर्ट डाल देना है। ठीक है, इस तरीके से 20 एंड हाईलाइट को माइनस एंड शेडो को प्लस और वाइट को माइनस एंड ब्लैक्स को माइनस। ओके गाइस, इस तरीके से आपको ये वाली सेटिंग को कर देना है और इसको कर देता हूँ अभी मैं डन, और अब चले जाता हूँ मैं इस कलर टूल्स के अंदर। ओके, अब जाता हूँ मिक्स टूल के अंदर एंड यह सेकंड कलर को ऐड कर लेता हूँ एंड इसका सैचुरेशन मैं क्या करूँ माइनस की तरफ कर देता हूँ। ओके, एंड लुमिनस को थोड़ा सा मैं डाल लेता हूँ, इसको कर देता हूँ अभी मैं डन। डन के अंदर गाइस आपको क्या करना है, सिंपल चला जाना है इसी टूल्स के अंदर। ठीक है, इफेक्ट टूल्स के अंदर आने के बाद गाइस आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखा हुआ टेक्स्ट टू, तो आपको क्या करना है, टेक्स्ट टू अगर आप माइनस की तरफ 100 कर दोगे तो आप देख सकते हैं एकदम बहुत ही ज़्यादा क्या हो यहाँ पर पीपल थोड़ा बहुत रिमूव हो चुके हैं। ठीक है, अगर इसको प्लस की तरफ 100 करेंगे तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शार्पिंग वगैरह जैसी दिखा दे रही। ठीक है, तो ये होता है टेक्स्ट टू का काम। ओके, तो मैं कह रहा क्या है, ये इसको टेक्स्ट टू को थोड़ा मैं माइनस की तरफ कर देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से। सो अब चाहता हूँ क्लैरिटी के अंदर। ओके, सो क्लैरिटी के अगर आप माइनस 100 कर गए तो आप देख सकते हैं अपना फेस कितना स्मूथ हो चुका। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो चुका, तो इसको क्या करूँगा गाइस, अगर आप 100 प्लस कर रहे तो कितनी पिक गंदी लग रही। ओके गाइस, सो क्या करना आपको, यहाँ से मैं थोड़ा सा माइनस की तरफ कर देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से क्लैरिटी को। एंड अब जाता हूँ डेज के अंदर। ओके, डेज को अगर आप माइनस 100 करें तो इस तरीके की बहुत ज़्यादा लाइट आएगी वाइट, एंड अगर प्लस करोगे तो बहुत ही ज़्यादा बैकग्राउंड बहुत ही मस्त लगेगा एंड पिक्चर पर आपको क्या थोड़ा बहुत ही कलर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको हमेशा कहते हैं थोड़ा सा डाल लेना। ठीक है, इसके बाद गाइस अब चले जाते हैं विगनेट के अंदर एंड विगनेट थोड़ा माइनस की तरफ कर देता हूँ। ओके, सो इसको आपको ऐसा डन कर देना और अब चलता है ट्रेनिंग के अंदर, इसी शार्पिंग डाल देना एंड डेटल्स को फुल और नॉइस रिडेंस को यहाँ से मैं कर देता हूँ 84 और डेटल्स को फुल कर दिया और कलर नॉइस रिडेंस को कर देता हूँ मैं फुल। ओके, 100 एंड इसका स्मूथ को मैं डाल देता हूँ, डेटल्स को डाल दिया कुछ इस तरीके से, आपको ये वाली सेटिंग को कर देना। ओके, आप हम देख सकते हो गाइस, और चाहे तो कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा डाल देते हो। ठीक है, इस तरीके से। सो अभी मैं इसको डन कर देता हूँ, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अभी फेस स्मूथ हो चुका और काफ़ी ज़्यादा अभी रह चुका, तो आपको क्या करना है, तो आपको चले जाना इस सेलेक्ट ट्यूब के अंदर और यहाँ से प्लस एंड ये वाले राउंड को ऐड कर लेता हूँ। ओके गाइस, सो इसके बाद गाइस आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको राउंड को हम फेस पर ऐड कर देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से। सो ऐड करने के बाद गाइस आपको सिंपल चल जाना इस इफेक्ट टूल्स के अंदर और इसके क्लैरिटी को यहाँ से मैं माइनस की तरफ कर देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से। ओके, एंड एज को थोड़ा माइनस की तरफ एंड इसके टेक्सचर को आपको क्या करना है, टेक्सचर को थोड़ा मैं डाल देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से। ओके गाइस, सो अब आपको क्या करना है, अब चले जाना इस लाइट वाले आइकन के अंदर एंड इसका शेडो को आपको क्या करना है, माइनस की तरफ कर देता हूँ एंड वाइट को थोड़ा यहाँ से मैं प्लस की तरफ। ठीक है, इस तरीके से। सो अभी मैं इसको देता हूँ डन। ओके, और फिर से आपको ट्रायंगल के अंदर चले जाना है। ओके गाइस, और यहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना है, इसका नॉइस रेडियंस को फुल कर देता हूँ। ठीक है, और इसको कर देता हूँ अभी डन। सो गाइस इसके बाद आपको चले जाना है ऊपर और यहाँ पर हेलिंग टूल्स को ऐड कर देना, इस पिक्चर को जूम कर देना इस तरीके से। ठीक है, और जूम करने के बाद गाइस आपको क्या करना है, आपको सिर्फ पीपल को रिमूव करना है, तो क्या करना है, इस तरीके से आपको क्लिक कर देना। ठीक है, और आपको जहाँ भी पीपल लिखा दे वहाँ पर आपको इसको छोड़ देना। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर छोड़ देता हूँ और यहाँ पीपल ये रिमूव हो चुका। ठीक है, इस तरीके से। और फिर से मैं इसी को यहाँ पर उठा कर लाता हूँ, यहाँ पर छोड़ दिया और फिर से मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया एंड इसको अभी यहाँ पर छोड़ देता हूँ, तो ये पीपल रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कर दी क्लिक एंड ऐसा नहीं यार तू का जा रहा है, जैसे आप इसे क्लिक करोगे तो इसके बाद आपको करना है यहाँ पर पीपल पर छोड़ देते। ठीक, इस तरीके से। सो आप देख सकते हो यहाँ पर रिमूव हो चुका पीपल्स। ओके,
तो इसके बाद आपको इसी तरीके से आपको सारे पेपर को रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ क्लिक और यहाँ से आपको पेपर पर छोड़ देना। सो अभी मैं इसको डन कर देता हूँ। सो आपने मैं दिखा दी थी कि किस तरीके से आपको यहाँ पर पेपर को रिमूव करना, ठीक है, बहुत ही आसान तरीका ये, ठीक है ना गाइस। सो इसके बाद आपको क्या करना है, आपको चले जाना है इस कलर टूल्स के अंदर एंड मिक्स टूल के अंदर चला जाना और आपको यहाँ से कलर ऐड कर देना है ग्रीन, ओके। एंड इसका सैचुरेशन क्या करना है आपको, इसका सैचुरेशन मैं कर देता हूँ माइनस की तरफ, ओके गाइस। एंड इसकी ह्यू को यहाँ से मैं प्लस की तरफ कर देता हूँ, ओके गाइस। तो अभी चलता हूँ इस येलो कलर के अंदर एंड इसके सैचुरेशन क्या करूँगा मैं गाइस। अरे यार तू का बैंक हो जा रहा है, रुक जा। और इसका सैचुरेशन मैंने माइनस की तरफ 100 कर दिया, ठीक है, और इसकी ह्यू को आप प्लस की तरफ कर सकते हो, ठीक है। सो अभी जाता हूँ इस कलर के अंदर एंड इसकी ह्यू को थोड़ा मैं डाल देता हूँ एंड सैचुरेशन को थोड़ा माइनस की तरफ कर देता हूँ, ओके। सो इसके बाद गाइस मैंने इसको डन कर दिया एंड अब आपको क्या करना है गाइस, इस कलर के अंदर चल जाना है इफेक्ट टूल्स के अंदर एंड इसकी क्लैरिटी को मैं यहाँ से डाल देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से, ओके। वो टेक्सचर को आप यहाँ से थोड़ा बहुत डाल भी सकते हो और माइनस की तरफ कर देता हूँ, ठीक है, फेस स्मूथ करने के लिए, ओके गाइस। सो ये रे पहले पिक्चर इस तरीके की थी और आप देख सकते हो कितनी ऑसम बैकग्राउंड एंड पीपल्स वगैरह भी थोड़ा रिमूव हो चुके हैं, फेस भी स्मूथ हो चुका, ठीक है। सो अब पिक्चर को सेव करने के लिए शेयर आइकन पर क्लिक करना, सेव टू डिवाइस। सो गाइस अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके लाल बेल आइकन पर प्रेस कर देना। सो मैं बोलता हूँ आपसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।